ये सारा सामान भाई ने रखा हुआ है। मेरे आप शहर में आया हूँ मैं, ये देखे सारा काजू, ये बादाम, ये खुबानी है। चलो अंदर, चलो भाग जो अंदर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक ठाक। आज मैं आपको दिखाता हूँ सब्जी मंडी शाहकोट। सब्जी मंडी शाहकोट में आया हुआ हूँ, तो आपको अभी विजिट कराता हूँ सब्जी मंडी शाहकोट का। ये पहले तो सुबह सिर्फ शाम को लगती थी मंडी, और थोक पे सामान मिलता था इधर, तकरीबन समझो तोड़े वगैरह लेने पड़ते थे। लेकिन अब सुबह को भी लगती है, इतनी ज़्यादा तो नहीं लगती, अभी तो खाली होगी क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा ये मंडी पे रश होता है। अभी बिल्कुल इतनी ज़्यादा भी नहीं लगती। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए रेट लिस्ट लगी हुई है गाड़ियों की। नज़ीर सलीम फ्रूट मंडी ठेका शेड्यूल जनवरी वगैरह ये लिखा हुआ है। जो गाड़ियाँ आती हैं अंदर वो ये देती हैं सारा, देखिए सारा लिखा हुआ है। बस 200 रुपये ट्रक, ये ट्रैली वगैरह लिखा हुआ है सारा, ये ऐसे शेड्यूल है। वो पर्ची लेते हैं और अंदर जा आपको विज़िट करवाता हूँ सब्ज़ी मंडी शाहकोट का। इस वक्त ज़्यादा इसमें इतना रश नहीं होता, ये तकरीबन खाली होती है सारी मंडी। आपको दिखाता हूँ, चले मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। इस तरफ सारा ना अभी इतना रश नहीं होता, ये सारी खाली है तकरीबन। शाम को तकरीबन 3-4-5 बजे के दरमियान इधर सामान आना शुरू हो जाता है। गधा गाड़ियों पे सारा, रक्षा पे, लोडर पे सामान सारा आ जाता है। ये देखिए ये सारी शॉप के ऊपर लिखा हुआ है, शाम को ये सामान आएगा, इधर लगेगा सारा। इस तरफ ये ट्रक वगैरह खड़े हैं, रात के खड़े हैं ये इधर। ये देखिए इस तरफ भी आपको दिखाता हूँ, इस तरफ भी है। ये देखिए ये लगी हुई है मंडी, ये लगी हुई है, किलो के हिसाब से मिल जाती है इधर, पहले नहीं थी मिलती, अभी ये सुबह को लगी होती है। ये देखिए सारी, ये देखिए, ये देखिए, ये भी सामान सारा इधर से मिल जाता है। सुबह को भी आपने लेना हो किलो के हिसाब से मिल जाता है। वैसे अभी मैं बाहर का आपको दिखाता हूँ, इसका मेन बोर्ड जो यहाँ पे लगा होता है सब्जी मंडी शाहकोट लिखा हुआ है, और साथ में सामने GT रोड चल रहा है, आपको वो भी दिखाता हूँ। ये बाहर भी शॉप ये सबसे ज़्यादा चलती है इनकी, ये वाली शॉप, और मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए सब्जी मंडी शाहकोट, सब्जी मंडी कोट शाहन GT रोड गुजरांवाला, ये देखें आप ऊपर लिखा हुआ है। ये मेन एंट्री का रहा है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। इधर इधर से अंदर जाते हैं और गाड़ियाँ आती हैं लेके सामान, इधर से दाखिल होती हैं और उस तरफ से निकल जाती हैं। वो सामने जो इतनी बड़ी मंडी नहीं, लेकिन शाम को काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके फिर आगे ब्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। ये देखिए हमारा दूध वाला, दूध हमने ले लिया इससे। अब दूसरे बटन में दूध डाला, इतना ज़्यादा रश है, आप देखिए रश रश है शहर में। मैं शहर में बेल्ट लेने के लिए आया हुआ हूँ। ये देखिए मैंने इधर से बेल्ट लिया, बेल्ट लेने आया था, शहर आया हुआ हूँ, और ये मैंने लेदर का बेल्ट लिया। ये सारे बेल्ट इधर भाई ने लटकाए हुए हैं, खान साहब ने, इनसे मैंने एक ले लिया बेल्ट, लेदर का बेल्ट लेने आया हुआ था। अभी मैं घर जा रहा हूँ ले के, बस ये बेल्ट ही लेने आया हुआ था मैं, अभी जाऊँगा घर। चले ये देखे भाई का चलान कट गया, बेल्ट लिया था इन्होंने, और ये मोटर वाले ने आगे पकड़ लिया, वार्डन अभी इनका चलान करेंगे। शाम का वक्त है और इतना ज़्यादा रश होता है, इतना रश होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और अभी मैं खजूरें लेने के लिए जा रहा हूँ, देखते हैं बाज़ार से अच्छी खजूरें मिलती हैं तो आगे से लेते हैं। आगे की तरफ उस बाज़ार में खजूरें मिलती हैं, चले देखते हैं, अच्छी खजूरें मिलती हैं तो उधर से लेते हैं। चले ये वाली लेने लगा हूँ मैं खजूरें, ये वाली भाई, ये कौन सी है, इसका नाम क्या है? मजाफ्ती। ये खजूरें ये लेने लगा हूँ, बम उसको बोलते हैं, और ये चॉकलेट है, आप वो वाली मुझे दे दी। ये भी है खजूरें, ये सारा सामान भाई ने रखा हुआ है। मेरे आप शहर में आया हूँ मैं, ये देखे सारा काजू, ये बादाम, ये खुबानी है। भाई ने छोटा सा पंखा लगाया हुआ है, माशाल्लाह हवा आ रही है। भाई को मैंने बोला आधा किलो दे दो, मुझे आधा किलो लेना लगाऊँ।
देखें ये सारे दिन चल रहे खजूरें भी ले लिया और रश काफ़ी ज़्यादा भी, मैं जाने लगा हूँ घर, बेल्ट भी ले लिया और खजूरें भी ले लिए, काफ़ी ज़्यादा रश है आप देख सकते हो, रात का टाइम हो गया मगर आगे कोई लेट वगैरह नहीं है, जाने लगा हूँ उधर से पार्किंग में मोटरसाइकिल खरीदी है वो उधर से ले गए और फिर जाएंगे, चलो अब मैं जा रहा हूँ ले के पार्किंग से मोटरसाइकिल निकालेंगे और फिर जाएंगे। ये देखिए पार्किंग में भी जा रहा हूँ, पार्किंग मोटरसाइकिल में इधर खड़ा किया हुआ है, ये देखिए पार्किंग में मैं आ गया, ये देखिए सारी पार्किंग ही पार्किंग, मोटरसाइकिल मैंने अंदर खड़ा किया हुआ है, निकाल के लेके आता हूँ उस तरफ खड़ा किया सारी, ये देखिए पार्किंग ही पार्किंग है। चले अभी चलते हैं घर। हाँ जी अभी फलूदे वाली दुकान पे मैं आ गया, मैंने बोला है चलो जाने से पहले थोड़ा फलूदा ही खा लेते हैं और फलूदा को मैंने ऑर्डर कर दिया है, चले भाई वो लेके आने लगे हैं और फिर फलूदा खा के चलते हैं घर। ये देखें भाई फलूदा लेके आ गए हैं मज़ेदार सा, ये देखें फलूदा ठंडा ठंडा खाते हैं और फिर घर चलते हैं, चले मैं अभी खाता हूँ फिर मिलेंगे घर। पहुँच गए हम घर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।